हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे व्हाइट चॉकलेट। इसे हमने बिना कोकोनट ऑयल, बिना कोकोआ बटर और बिना बटर के बनाया है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे हम डबल बॉयलर मेथड से बनाएंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम नीचे वाटर लेंगे और ऊपर से दूसरा पैन रखेंगे। दूसरे पैन को वाटर से टच नहीं होने देना है। जब वाटर बॉयल होने लगे तब हम इसमें 4 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। घी को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे एक विस्कर की हेल्प से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स न रह जाए। हमें इसे लगातार मिक्स करते रहना है। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें कोई लम्प्स न रह जाए। अब इसमें हम 1/3 कप आइसिंग शुगर डालेंगे। आप नॉर्मल पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। हम इसमें 1 टीस्पून घी और डाल रहे हैं क्योंकि ये सूख गया था। अब इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे। अगर ये और सूखा लग रहा है तब हम इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी और ऐड करेंगे। अब ये बिल्कुल गीला गीला दिखने लगा है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे शुगर डिजॉल्व होने तक पकाएंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक। हमें इसे चलाना नहीं रोकना है, लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अलग दिखने लगी है, बिल्कुल मेल्टेड। जब हमें लगी कि शुगर डिजॉल्व हो गया है तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। ये बस हल्का सा ही गर्म रहे या बिल्कुल ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे। हमें इसे फ्रीज में रख के ठंडा नहीं करना है और इसे हम ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें लम्प्स न रह जाए। अब हम चॉकलेट मोल्ड्स लेंगे। मोल्ड्स पे हमने हल्का सा देसी घी लगा लिया है। अब हम एक स्पून लेंगे और इसे सारे पार्ट्स में भरेंगे। हमें इसे भरते समय बहुत ही सावधानी से भरना होगा। अब हमने सारे पार्ट्स में भर लिया। अब हम एक बार ऐसे टैप करेंगे ताकि इसमें जो बबल्स पड़े हुए हैं वो हट जाएं। अब ये तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरा चॉकलेट मोल्ड्स लेंगे और जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है उसे हम इसमें भर देंगे। जैसे हमने इस चॉकलेट को बनाया है ऐसे ही हम डार्क चॉकलेट भी बनाते हैं, बस मिल्क पाउडर के प्लेस पे हम कोकोआ पाउडर यूज करेंगे। अब हम सारे मिक्सचर को इस मोल्ड में भर देंगे। अब ये दोनों बिल्कुल सेट हो चुका है। दोनों को हमने टैप कर लिया है। अब हम इसे एक ट्रे में रखेंगे और इसे फ्रीजर में लगभग 3 से 4 घंटे तक रख देंगे। 3 से 4 घंटे में ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हम इसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है और इसे निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए चॉकलेट कितनी बढ़िया बनी है। ऐसे ही आप कोकोनट ऑयल, कोकोआ बटर या फिर आप बटर से भी बना सकते हैं या आप डालडा घी भी यूज कर सकते हैं। सारे चॉकलेट्स को हम मोल्ड से निकाल लेंगे और इसे तुरंत हम फ्रीजर में रख देंगे। ऐसे ही हम बड़ी वाली चॉकलेट भी निकालेंगे। ये बिल्कुल कंपाउंड चॉकलेट बनी है। अब हमारी व्हाइट चॉकलेट्स बनकर तैयार है। अब आप इसे खा सकते हैं और इसे स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।